नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दें। हमारे इस टॉपिक में सवाल आपके जवाब हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऐसे ही पूछते रहिए सवाल और पाते रहिए जवाब, हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सभी के मन में होंगे, हमारे भी मन में हैं। तो आइए हम पहले सवाल को पढ़ लेते हैं फिर जवाब देना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि हम 1 जुलाई को CCL पर हैं तो क्या हमारा इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न है, सर मेरा चयन वेतनमान 2024 को लगेगा तो क्या मैं चयन वेतनमान का इंतजार करूं या प्रमोशन ले लूं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर कब तक होंगे सर, काश जल्दी ट्रांसफर होता। और ऐसे एक नहीं कई प्रश्न हमारे पास आए हैं, कई मित्रों ने ये प्रश्न पूछे हैं कि सर ट्रांसफर कब तक होंगे। छुट्टियां बीती जा रही हैं लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, कहा गया था कि छुट्टियों में ट्रांसफर होंगे। अगला प्रश्न है, CCL कौन अप्रूव करता है। और पांचवा प्रश्न है, सर प्राइवेट विद्यालयों में 25 जून को खोलने का आदेश आ गया है तो क्या हम लोगों की भी छुट्टियां 24 जून तक रहेंगी। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें देना है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। एक ही दो प्रश्न हैं जिसमें हमने टाइम लगाया, सर्च किया, खोजा। जैसा कि पहला प्रश्न है, यदि हम 1 जुलाई को CCL पर हैं तो क्या हमारा इंक्रीमेंट लगेगा, 100% का सवाल है दोस्तों। इसके लिए मैंने बहुत सर्च मारा लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी लिखा नहीं मिला। CCL कैसे लेना है, CCL कितने दिनों का लिया जा सकता है, CCL कितने बच्चों पर लिया जा सकता है, CCL के क्या क्या रूल हैं, ये सारी चीज़ें तो मिली लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं मिला कि यदि हम CCL पर हैं तो हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। दोस्तों मेरा कंक्लूजन यही है कि आप सर्विस में आ गए हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, आपकी सर्विस कंटिन्यू है तो आप किसी भी प्रकार का अवकाश लेते हैं तो आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जो एक एम्प्लाई को अधिकार दिए गए हैं एम्प्लाई उसी का प्रयोग तो कर रहा है। तो आप सर्विस में रहते हुए CCL ले रहे हैं, सर्विस में रहते हुए आप मेडिकल लीव ले रहे हैं, जो भी लीव आप ले रहे हैं उससे आपका वेतन ब्रेक, आपका सर्विस ब्रेक नहीं होता है कि सर्विस ब्रेक हो जाएगा और आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हाँ जी आपका इंक्रीमेंट लगेगा। आप CCL पर हैं तब भी लगेगा, आप मेडिकल पर हैं तब भी लगेगा, क्योंकि आप इन सर्विस हैं और सर्विस के जो रूल है उसके तहत आप CCL पर हैं तो क्यों नहीं लगेगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यह आता है कि इंक्रीमेंट का फ़ायदा आपको कब मिलेगा। इंक्रीमेंट का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अवकाश ऐसे हैं कि अवकाश के दौरान जब आप छुट्टी लेते हैं ना उस समय क्या होता है कि जो वेतन आपको मिल रहा होता है छुट्टी के पहले वही वेतन छुट्टी के दौरान आपके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप अवकाश पर हैं तो बीच में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन जब आप सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बढ़ करके मिलती हैं। DA भी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट भी लगेगा, होगा सब कुछ होगा, सिर्फ उस दौरान में जब आप छुट्टी पर हैं उस समय तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका इंक्रीमेंट लगेगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इंक्रीमेंट का लाभ उस दिन से मिलेगा जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सर मेरा चयन वेतनमान 2024 को लगेगा तो क्या मैं चयन वेतनमान का इंतजार करूं या प्रमोशन ले लूं। दोस्तों मैंने कल भी अपने वीडियो में यह बात बताई थी, परसों भी बताई थी कि मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया था
कि चयन वेतन मान के बाद अगर प्रमोशन होता है तो आपको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा, और चयन वेतन मान के पहले अगर आपका प्रमोशन हो गया, अगर आप चयन वेतन मान के करीब हैं और उसके पहले आपका प्रमोशन हो गया तो आपको एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा। लेकिन मैंने कतई नहीं कहा था कि आप जो है चयन वेतन मान प्राप्त करने के लिए प्रमोशन को क्विट कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारा विभाग कैसा है। पहली बात तो जल्दी से कोई चीज़ होता नहीं, प्रमोशन जल्दी से आते नहीं, और अगर प्रमोशन का चांस मिला है तो हम उसको क्विट नहीं करेंगे। भले ही हमें एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो, लेकिन एक इंक्रीमेंट का फायदा भी तो हो रहा है। जो हमारा वर्तमान वेतन है उसे एक इंक्रीमेंट बढ़ के मिलेगा, तो क्यों ना लें हम प्रमोशन। हमने तो एक कंपैरिजन पेश किया था कि काश ऐसा होता कि जो चयन वेतन मान के करीब हैं उनका पहले चयन वेतन मान लग जाए उसके बाद प्रमोशन हो। मेरा मकसद ये था कि प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है। अगर आप चयन वेतन मान के करीब हैं तो अपना चयन वेतन मान लगने दीजिए, उसके बाद प्रमोशन हो जाए तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप 2024 को आपका चयन वेतन मान लगेगा, अगर उसके पहले आपको प्रमोशन का चांस मिलता है तो आप जरूर प्रमोशन लीजिए। आपको कतई क्विट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्विट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप अपना चयन वेतन मान का चांस खो दें, क्योंकि इसमें 3 साल का बाउंडेशन है। अगर हम प्रमोशन को क्विट करते हैं तो 3 साल तक हमें ना प्रमोशन मिलेगा और ना ही चयन वेतन मान मिलेगा, इसलिए आप लोग सावधानी बरतिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर कब तक होंगे सर, काश जल्दी ट्रांसफर होता। दोस्तों आप इतने दिनों से अपने विभाग में हैं, विभाग की रणनीतियां, विभाग के क्रियाकलाप, कार्यशैली, सारी चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां पर हवाई फायर किए जाते हैं, कहा जाता है कुछ होता है कुछ। पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे थे, वही बहुत बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। इस बार भी जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि गर्मियों की छुट्टी में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, कितने दिन बचे हुए हैं गर्मियों की छुट्टी। दोस्तों प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही चीजें अभी दूर की कौड़ी हैं, जब ये हो जाए तो मानिएगा कि हाँ हो गया। अभी आप लोग, आज ही आदेश आया है हमारे यहाँ तो आया है, आपके यहाँ आया है कि नहीं आया है, देखिए कितनी बड़ी विसंगति यहाँ पर बन रही है। अब ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के पहले शिक्षक छात्र का अनुपात का आंकड़ा मांगा जा रहा है, और बड़े बेतरतीब तरीके से। हमारे ज़िले में तो मांगा गया है, कमोबेश आपके ज़िले में भी मांगा गया होगा। अगर नहीं मांगा गया होगा तो 1-2 दिन में मांग लिया जाएगा, क्योंकि परिषद सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल का आदेश आया है, उन्होंने फॉर्मेट जारी किया है। फॉर्मेट क्या जारी किया है, फॉर्मेट में यह है कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं। अगर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक में है तो उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक, और अगर विद्यालय प्राथमिक है तो प्राथमिक के हेड टीचर और प्राथमिक के सहायक अध्यापक। 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल को बच्चों की संख्या मांगी गई है कि उच्च प्राथमिक में 30 अप्रैल को कितने बच्चे थे और प्राथमिक विद्यालय में 30 अप्रैल को कितने बच्चे थे। अगर आपका विद्यालय कंपोजिट है तो कंपोजिट विद्यालयों को दोनों की सूचना देना है, उच्च की भी और प्राथमिक की। और साथ में एक क्लाज और जोड़ा गया है कि जो अगर आपका विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है तो जो प्राथमिक का प्रधानाध्यापक है उसे आप उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक कंसीडर करेंगे। पहले तो ये था कि विद्यालयों को कंपोजिट बना दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक के पद को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन बड़ी ही चालाकी से प्रधानाध्यापक का पद समाप्त किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक को बना दिया गया उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक, तो अपने आप प्राथमिक के प्रधानाध्यापक का पद समाप्त हो गया। और यह आदेश मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यह आदेश आप सभी ने पढ़ा होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल का जो है यह आदेश आया था कि अगर विद्यालय कंपोजिट है तो प्राथमिक का जो प्रधानाध्यापक है उसे उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक कंसीडर किया जाएगा।
तो इस लिहाज से अभी जो सूचना मांगी गई है वो भी ऐसी ही मांगी गई है कि उच्च प्राथमिक में हेडमास्टर और सहायक अध्यापक, प्राथमिक में हेडमास्टर जीरो और सहायक अध्यापक, क्योंकि प्राथमिक में कोई हेडमास्टर बचा नहीं, जो प्राथमिक का हेडमास्टर था वो जूनियर का सहायक बन गया, तो इस तरह से जूनियर में शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई। अब क्या होगा, समायोजन होगा। पहले तो समायोजन होगा, जो सरप्लस अध्यापक इस तरह से बन रहे हैं उन्हें समायोजित किया जाएगा। समायोजित करने के बाद अगर कहीं सीटें बचती हैं तब बात आती है प्रमोशन की, तब बात आती है ट्रांसफर की, और तब बात आती है जो है नई नियुक्तियों की। तो कुछ इस तरह का घोलमेल किया जा रहा है दोस्तों। तो अब हम ऐसे में क्या कहें कि ट्रांसफर कब होंगे और कैसे होगा, प्रमोशन कब होंगे कैसे होगा। सूचियां बनवा ली गई हैं, वरिष्ठता सूची मंगा ली गई है, लेकिन होगा भी कि नहीं होगा आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीसीएल कौन अप्रूव करता है? दोस्तों सीसीएल अप्रूव करता है हमारे जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेकिन उसका एक प्रॉपर चैनल है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। बड़ी समस्या होती है कि हमारे अध्यापकों के बीच में जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वो किसी प्रॉपर चैनल का जो है उपयोग नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो विद्यालय है सबसे पहले आपका अधिकारी होता है आपका हेड। आप किसी भी प्रकार की छुट्टी ले रहे हैं, चाहे आकस्मिक हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो है जिस प्रकार की भी आप छुट्टी ले रहे हैं, सबसे पहले आप इंटीमेट करेंगे अपने प्रधानाध्यापक को। छुट्टी आप कतई डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, पहले आप अपने प्रधानाध्यापक को भेजेंगे। प्रधानाध्यापक के अधिकार में अगर वो अप्रूव करने का है तो करेगा, नहीं करेगा तो वो भेज दे, फॉरवर्ड कर देगा खंड शिक्षा अधिकारी को। और अगर वो लीव खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है तो खंड शिक्षा अधिकारी उसे अप्रूव करेगा, नहीं है तो वो फॉरवर्ड कर देगा जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। तो दोस्तों ये प्रॉपर चैनल है, आप लोग जंपिंग मत करिए। जंपिंग करने से ही इतनी ढेर सारी समस्याएं आ चुकी हैं जिन्हें दूर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक प्रॉपर चैनल को फॉलो कीजिए, आपके प्रधानाध्यापक से बनती हो चाहे ना बनती हो, लेकिन आप किसी भी प्रकार की लीव हो चाहे लीव रिक्वेस्ट हो आप अपने प्रधानाध्यापक को भेजेंगे। प्रधानाध्यापक का दायित्व तो बनता है कि वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, चाहे आपसे झगड़ा किया हो, चाहे आपसे मेल मिलाप हो चाहे ना हो, लेकिन वो लापरवाही करेगा तो भुक्तभोगी वही होगा। तो आपकी लीव को वो फॉरवर्ड करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है तो ठीक है, नहीं तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बीएसए सर के पास भेज देंगे। तो इस तरह से एक प्रॉपर चैनल है, इस प्रॉपर चैनल का प्रयोग करते हुए आप छुट्टियां लीजिए तो सीसीएल अप्रूव होगा बीएसए सर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सर प्राइवेट विद्यालयों में 25 जून को खोलने का आदेश आ गया है, तो क्या हम लोगों की भी छुट्टियां 24 जून तक रहेंगी? दोस्तों मैं कहूंगा नहीं, कतई नहीं। आपके विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में बड़ा अंतर है। हम प्राइवेट विद्यालय से अपने विद्यालय का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट विद्यालय मैनेजमेंट के जिम्मे से चलता है, हमारा विद्यालय परिषद के जो है हवाले चलता है। चलो मान लीजिए दोनों को मान्यता एक ही जगह से मिलती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नियम हैं। हमारे लिए नियम बनाया गया है टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी में आपको कहा गया था कि गर्मियों की जो छुट्टियां होंगी वो 20 मई से लेकर के 15 जून तक रहेंगी, अर्थात 27 दिन की छुट्टी आप लेंगे, 16 जून को आपका विद्यालय खुल जाएगा। तो हमारे लिए कोई नया आदेश तो आया नहीं है, हम उसी आदेश को फॉलो करेंगे, अर्थात 25 जून को खोलने का हमारे लिए आदेश नहीं है, वो प्राइवेट विद्यालयों के लिए है, वो प्राइवेट विद्यालय जाने। हमें तो 16 तारीख का विद्यालय खुल रहा है और हम सभी को 16 तारीख को विद्यालय जाना है, इतना ही कहना है मुझे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दोस्तों अगर कहीं पर आपको लगा हो कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ या नरगल बोल गया हूँ तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं आपके प्रश्नों को ऑथेंटिक रूप से जवाब दूँ। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हाजिर रहूँगा। छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करते रहिएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, मैं आपके लिए बहुत सारी एथेंटिक वीडियोज़ जो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड है, हमारे बेसिक शिक्षा के अध्यापक जो अंधकार में थे उन्हें उजाले की तरफ लाने के लिए मैंने जाने कितनी वीडियोज़ डाल रखी हैं। अगर आप थोड़ा सा मुड़ करके हमारे चैनल की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके प्रश्नों का करूँगा इंतज़ार। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्रश्न भेजते रहिए और मैं आपको जवाब देता रहूँ। ज़िंदगी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।